जी हाँ दोस्तों, अमेरिका और भारत के बीच में जो ड्रोन का डील रुका हुआ था वो अब फाइनली अप्रूव हो चुका है। इस पर कई आर्टिकल कई न्यूज छपे थे कि अमेरिका ने कैंसिल कर दिया, अमेरिका भारत को ड्रोन नहीं देगा, लेकिन फाइनली अमेरिका के द्वारा ये बताया गया कि वो भारत को MQ-9B ड्रोन देंगे। और गाइस ये जो ड्रोन है MQ-9B, इस एक ड्रोन का कीमत $121 मिलियन है और भारत टोटल 31 ड्रोन खरीद रहा है, तो लगभग ये पूरा डील $4 बिलियन का है, यानी कि करीबन 33,000 करोड़ रुपया का ये डील है। इसका मतलब एक ड्रोन का कीमत 1,000 करोड़ रुपया होगा इंडियन रुपीस में। तो अब सवाल आता है कि आखिर इस ड्रोन में ऐसा क्या खास है कि भारत इस एक ड्रोन के लिए 1,000 करोड़ रुपया पैसा पे कर रहा है अमेरिका को, जबकि भारत में ऑलरेडी इंडियन ड्रोन बन रहे हैं। आखिर इस ड्रोन में क्या खासियत है? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं ये ड्रोन इतना खास क्यों है, इससे भारत को क्या फायदा होगा, भारत क्यों इतने पैसे देकर के ये ड्रोन ले रहा है, भारत इस ड्रोन का यूज कहां पर करेगा। स्वागत है आपका BSM डिविजन के एक और वीडियो में, मैं हूं विकास। गाइस आपको बता दें कि जब डोनाल्ड ट्रंप 2020 में भारत आए थे तो इस ड्रोन को लेकर के चर्चा उसी टाइम में स्टार्ट हुई थी कि अमेरिका भारत को ये ड्रोन देगा, और फिर उसी टाइम भारत और चाइना का बॉर्डर गलवाना में बॉर्डर का इश्यू हो जाता है, जिसके वजह से भारत का सिक्योरिटी अनसिक्योर हो जाता है, और उस चीज को देखते हुए सरकार को लगा कि हमें ऐसे ड्रोन की जरूरत है। कैसे ये जो MQ-9B ड्रोन है ये गार्डियन ड्रोन है, तो जब भारत में बॉर्डर अनसिक्योर का मामला आया तो हमने जनरल एटॉमिक से MQ-9B ड्रोन को लिया था एक ईयर के लिए लीज पर। इसके अलावा पिछले कई सालों से चाइना भारत के इंडियन ओशियन में भी घुसने की कोशिश कर रहा है, और जब भारत ने इस ड्रोन को यूज किया एक साल के लिए तो भारत ने यहाँ पर महसूस किया कि ऐसे ड्रोन की जरूरत भारत को है। इसके बाद ये चर्चा उठी कि भारत ये ड्रोन अमेरिका से लेगा। जब ये चर्चा स्टार्ट हुई तो भारत सरकार ने क्लियर किया कि हमें लगभग 30 ड्रोन चाहिए MQ-9B, इसके अलावा हमने एक ड्रोन एक्स्ट्रा भी लिया है, यानी टोटल 31 ड्रोन। अब चलिए सबसे पहले आपको इस ड्रोन की खासियत बताते हैं कि आखिर ये ड्रोन खास क्यों है, आखिर 1,000 करोड़ रुपया इस ड्रोन का कीमत क्यों। तो गाइस अपने स्क्रीन पर MQ-9B ड्रोन का फीचर्स आप देख सकते हैं, इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। इसका लेंथ कितना है, इसका विड्थ कितना है, टेक ऑफ वेट कितना होगा, पेलोड कैपेसिटी कितना होगा, ये सब इसका नॉर्मल खासियत हुआ। इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है कि इसकी जो एल्टीट्यूड है वो 40,000 फीट है, यानी कि करीबन 12 से 13 किलोमीटर के रेंज में ये ड्रोन उड़ेगा। 40,000 फीट, यानी कि ये ड्रोन 40,000 फीट की ऊंचाई से उड़ सकता है। आप खुद इमेज में देख सकते हैं, ये ड्रोन है लेकिन दिखता है हवाई जहाज के जैसा, और ये रडार के नजर में भी नहीं आता है। इसको अगर कोई भी पहली बार देखेगा तो यही बोलेगा ये कोई हवाई जहाज है, लेकिन नहीं गाइस, ये एक ड्रोन है। ये ड्रोन इतने हाइट पर होता है कि ये रडार के पकड़ में नहीं आता है, और उतने हाइट से ये अपने दुश्मन पर अटैक कर सकता है। अच्छा, 12 से 13 किलोमीटर तो इसकी हाइट हुई, लेकिन इसका जो रेंज है ये 10,000 किलोमीटर तक है। पूरा धरती का जो गोलाई है, अगर एक स्थान से आप स्टार्ट करोगे और पूरी पृथ्वी से गोल चक्कर लगा करके उस स्थान पर आ जाओगे तो वो जो डिस्टेंस होगा वो 40,075 किलोमीटर होगा। और इस ड्रोन की रेंज कितनी है, 10,000 किलोमीटर, यानी कि पूरी पृथ्वी की गोलाई का 1/4। इसके अलावा एक और खासियत ये है कि ये ड्रोन 40 घंटा तक हवा में उड़ सकता है, मतलब लगभग 1.5 दिन तक हवा में उड़ते रहेगा। और चूंकि इसका रेंज 10,000 किलोमीटर है तो ये 40 घंटे के अंदर जितनी भी जानकारी लेना है सारा जानकारी आपको ला करके दे देगा, दुश्मन के एक एक ठिकाने को हैक करके आपको ला करके दे देगा। ऑल ओवर ये ड्रोन पूरी तरह से मस्त है। अफगानिस्तान में जो टेररिस्ट था अलकायदा का लीडर, वो अपने छत पर पार्टी कर रहा था और ऊपर से ये ड्रोन गुजरा और आसपास के लोगों को क्षति पहुंचाए बिना उस लीडर को शूट करके आ गया। तो ड्रोन की ये खासियत भी मस्त है कि पूरे एरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, सिंगल पर्सन जो मेन लीडर है उसका एनकाउंटर ये करके आ गया। कहने का मतलब ये एक हेलफायर मिसाइल है, अगर आपका दुश्मन आम आदमी के बीच में है और आपको आम आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, उस कंडीशन में भी आप इस ड्रोन का यूज कर सकते हैं। यही सब कारण है कि पूरी दुनिया में ड्रोन काफी ज्यादा फेमस है, इसलिए भारत इसे खरीद रहा है। और जहां तक मुझे लगता है, भारत सिर्फ ड्रोन नहीं ले रहा है, इससे इसकी टेक्नोलॉजी भी लेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने एक एक्स्ट्रा ड्रोन भी लिया है, तो हो सकता है कि जो भारत के एक्सपर्ट्स हैं इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री में, इस ड्रोन पर और भी रिसर्च किया जाएगा कि इसे और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसमें किस किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, उस टेक्नोलॉजी को और बेहतर बना करके हम मेड इन इंडिया MQ-9B ड्रोन से अच्छा ड्रोन कैसे बना सकते हैं, तो इसके लिए भी हमें ये ड्रोन चाहिए, इसलिए एक्स्ट्रा ड्रोन भी लिया गया है। वैसे तो इस ड्रोन में और भी कई सारी फैसिलिटी है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट फैसिलिटी है वो मैंने आपको बताया। गाइस ये जो ड्रोन है MQ-9B, ये काफी ट्रेंडिंग में है और इस पर आए दिन आर्टिकल छपते रहते हैं। इस ड्रोन का यूज करके हम चाइना का काउंटर कर सकते हैं इंडियन ओशियन में, इसके अलावा टेररिज्म को भी काउंटर करने में मदद मिलेगी। और यहाँ पर गौर करने वाली चीज ये है कि अब तक US ने इस ड्रोन को नाटो देश को छोड़ करके उन देशों को दिया है जिसके साथ उसका रिलेशनशिप काफी अच्छा है। और गाइस यहाँ पर सबसे मजेदार चीज ये है कि नाटो देश को छोड़ करके अमेरिका ने इस ड्रोन को किसी को दिया ही नहीं है, भारत वो पहला देश है। इसका मतलब ये क्लियर है कि अमेरिका और भारत का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा है और आगे भी अच्छा रहेगा, और अमेरिका और भारत दोनों मिल करके एक साथ चाइना का काउंटर करेंगे। आई होप कि गाइस आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया US का जो डिफेंस डील है, जो डिफेंस रिलेशनशिप है, वो कितना बूस्ट हो रहा है और वो कितना अच्छा है। अगर आपको जानकारी पसंद आई, समझ आई, तो इसे अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जय हिंद लिखें और हमारे चैनल से जरूर जुड़े। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।